महाराज जी, आजकल जो पैसा है उसको एक, जब किसी एक व्यक्ति है जो कि बिजनेसमैन है फॉर एग्जांपल, वो जब एक BMW में घूमता है उसको कोई हीन भावना से नहीं देखते। आप जब एक महंगी गाड़ी में घूमते हो लोग आपसे प्रश्न करने लग जाते हैं, इसका थोड़ा समझाओ ना, ऐसा क्यों है? भारत इस मानसिकता से गुजर रहा है कि हम गरीब हैं तो तुम भी गरीब ही रहो। इस मानसिकता, इस बेड़ियों को अभी वो तोड़ नहीं पाया। भारत में कुछ लोग ये हैं कि हम तरक्की नहीं कर पाए तो तुम भी मत करो, हम गाड़ी नहीं ले पाए तो तुम भी मत लो, हम नहीं बढ़ पाए तो तुम भी मत बढ़ो। जब तक भारत इस मानसिकता से ऊपर नहीं आएगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। दूसरों की तरक्की, दूसरों के उत्थान को देखकर आपको प्रसन्न होना चाहिए। अब सामने वाले ने गाड़ी, हमने गाड़ी क्यों ली भाई? हमें तो रोज कहीं काम से दिल्ली जाना होता है, कहीं बंबई जाना होता है, कहीं भारत के उस कोने में जाना होता है, लंबी यात्राएं हैं और कई बार ट्रेन की और फ्लाइट की व्यवस्था नहीं होती, तो गाड़ियां लेनी पड़ती है ताकि समय पे जाकर काम करके समय पे वापस आए। कौन सी गाड़ी है महाराज जी आपके पास? परंतु हमारे पास तो शिफ्ट भी है। अच्छा, हम तो शिफ्ट में भी चलते हैं, टू व्हीलर पे, स्कूटी पे भी चल लेते हैं, साइकिल पे भी चलते हैं, पैदल भी चलते हैं, हेलीकॉप्टर पे भी चलते हैं, एरोप्लेन पे भी चलते हैं। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ जाएंगे, उस चीज़ पे जाएंगे, उस साधन पे जाएंगे। तो ये तो ज़रूरत है, हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार काम करना चाहिए। मैं करता हूँ, मुझे जिस चीज़ की, अब मुझे लंदन जाना है तो मुझे तो स्वाभाविक है कि फ्लाइट पे ही जाना पड़ेगा। अब लोग, अरे बाबा फ्लाइट पे घूम रहा है, क्यों भैया तुम भी घूम लो, हमने तुम्हारा हाथ पकड़ा है क्या, तुम भी घूमो। महाराज जी लोग कह रहे थे ना, बिजनेस क्लास में क्यों जा रहे हो, आप इकोनॉमी में जाओ। भाई हम थोड़ी जाते हैं, आप बुलाओगे तो आप ही बिजनेस क्लास की टिकट कटा के देते हैं तो आप कटाओगे, आपका है वो, हमारा थोड़ी, हमें तो जाना है। भाई आप हमें बुलाओगे तो आप अपनी व्यवस्था से बुलाओगे, फिर तो हमें जो बुलाता है वो अपनी व्यवस्था से बुलाता है, वो बिजनेस पे कराए या सिंपल कराए, हम उस पर जाते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। हम सामान्य पे भी जाते हैं, बिजनेस क्लास पे भी, जो जैसा बुलाए वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप हमें बुलाना चाहते हैं तो पैदल बुलाना चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर से बुलाना चाहते हैं। अभी हम बिहार गए थे कुछ महीने पहले, एक दिन के लिए जाना था, एक दिन के लिए जाना था, उसी दिन आना था क्योंकि अगले दिन से कथा थी। तो जिसने बुलाया वो वहाँ का कोई राजा था, उस राजा का खुद का एक हेलीकॉप्टर था, तो उसने मुझे हेलीकॉप्टर भेजा कि आप इस पे आइए, क्योंकि उसे बुलाना था। भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं आऊँगा, पर मैं एक ही दिन में 1 घंटे के लिए आऊँगा, अब व्यवस्था तुम करो। तो अब वो चाहे मुझे ट्रेन से बुलाए, पैदल बुलाए, साइकिल से बुलाए, हेलीकॉप्टर से बुलाए, ये उसका मन है कि वो कैसे बुलाता है। उसका खुद का रहा हेलीकॉप्टर, बड़ा आदमी, पुराना राजा था, राज रजवाड़ी चले आ रहे तो उसका हेलीकॉप्टर है, तो उसने बुलाया। अब लोग कहें अरे बाबा जी तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, भाई बुलाया है तो ये तो उसकी श्रद्धा है, मैं तो सब में तैयार हूँ, मैं तो पैदल भी चलने को तैयार हूँ। लेकिन ये मानसिकता भी भारत उभरा नहीं है इन चीज़ों, अरे आप हेलीकॉप्टर में कैसे बैठ रहे हैं, आप इस पे कैसे बैठ रहे हैं, मतलब बिजनेस क्लास पे दाने दाने में केसर कदम, जो गुटखा का प्रचार कर रहे हैं, शराब का प्रचार कर रहे हैं, गंदी चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं, वो यदि बिजनेस क्लास पर बैठे हैं उन्हें ऐतराज नहीं है, लोगों का ऐतराज नहीं है, पर कोई समाज की सेवा करने वाला बिजनेस क्लास पर बैठता है, बिजनेस क्लास पर, तो लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है, आप बिजनेस क्लास पर क्यों बैठ रहे हैं। अच्छा काम करने वाला यदि जाए तो लोगों का ऐतराज है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग समझते हैं कि भारत अभी इस मानसिकता से उभरा नहीं है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। मान जी यही तो आपकी सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि लोग आपको अगर कुछ कहते भी हैं आप उसको इतने पॉजिटिवली टर्न कर देते हैं कि फिर मैं देखता हूँ, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, जो लोग पहले ट्रॉल कर रहे थे हाँ, वही अब आपके फैन बने फिर रहे हैं हाँ, उनको क्या बोलोगे जो आपके ऐसे फैन बन गए हैं? वो पहले जानते नहीं थे, उन्होंने पहले एक पक्ष देखा था, एक पक्ष सुना था, अब उन्होंने देखा कि गौरी गोपाल आश्रम में तो 280 माताएं हैं, अखंड रसोई चल रही है। भाई एक 33 साल का बच्चा, हमारी उम्र के लड़के तो आज शराब पी रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं और बाप के पैसों पे ऐश कर रहे हैं, जिस उम्र के लड़के पिता के पैसों पे ऐश आराम कर रहे हैं उस उम्र का एक बालक समाज की सेवा में लगा हुआ है, तो उनको आज नहीं कल समझ में तो आने ही है सबको। ईश्वर के घर देर तो है, अंधेर कहाँ, समझ में देर से, भारत है ना, यहाँ लोग समझते देर से। अच्छा महाराज जी, कई लोग ना मेरे मित्र ही हैं, वो उन्होंने मुझे कहा, मैं तो ड्रिंक भी नहीं करता, स्मोक भी नहीं करता, अब उन्होंने मुझे कहा कि राघव हम ना मतलब दिल से बहुत अच्छे हैं, सबका बहुत अच्छा देखते हैं, कोई बुरी हरकत भी नहीं है,
पर बीच में कभी कभी थोड़ी दारू चल जाती है, बीच में कभी कभी जैसे कोई दोस्त आए तो सिगरेट। तो क्या ऐसे लोगों को भगवान मिलेंगे, भगवान मान जाएंगे ऐसे लोगों के लिए? ठीक, भगवान तो तब मिलेंगे ना जब मन भगवान में लगेगा। मन शराब में लगा है तो भगवान फ्री में मिल जाएंगे, भाई मन तो लगाना पड़ेगा। मीराबाई भी मन लगाई भगवान में तब तो भगवान मिले। अब मन तो एक है ना आपका, उद्धव मन न भये दस बीस, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराध ईस। उद्धव मन न भये दस बीस, मन तो एक है, या तो शराब में लगा लो या तो भगवान में लगा लो। अब जिनका मन शराब में लगा है, आप सोचो कि उनका मन भगवान में लग कैसे सकता है। जिनका लगा होगा भगवान में वो शराब में लगाएंगे ही नहीं। अब आप सोचो कि हम गाल भी फुला लें और ठहाका भी लगा लें, दोनों नहीं हो सकता। या तो गाल फुलाओ या तो ठहाका, या तो शराब पी के शराबी बन जाओ, या तो शराब का पीना है तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। देखो शराब रात बीती उतर जाएगी, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरिनाम का जाम पीले बंदे तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो प्याला राम नाम का, कृष्ण नाम का। जब आए हो प्रेम गली में, जब आ गए तो फिर आ जाओ, फिर शराब इत्यादि से पूरे छूट के आओ, पी लो जितना जीव कर रहा पी लो। लेकिन जब आना तो पूरे आना भगवान के पास। आधे शराब में फंसे हो आधे कृष्ण में उलझे हो तो नहीं, जी भर के पी के आओ, फिर ऐसे आओ कि फिर भगवान के हो जाओ।